नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। जीतन्ना माझी ने अगले 24 घंटे में खेल करने का बेहद बड़ा जो निर्णय हो सकता है, क्योंकि आज बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है और ऐसे में जीतन्ना माझी का पलटी मारना तय है। आरजेडी की सरकार बिहार में बन सकती है, तो पूरी जानकारी विस्तार से बताने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक हम रखते हैं 30,000 और कॉमेंट बॉक्स में नेक्स्ट सीएम तेजस्वी लिखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा 10 मिनट का पूरा। दोस्तों, इस वक्त सम्राट चौधरी ने दिए हुए बड़े बयान पर एक नया उन्होंने टिप्पणी कर दिया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको विस्तार से बताएंगे। मिठाइयां आज बिहार में क्यों बांटी जा रही है इस पर भी खबर देंगे, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने जा रही है, बिहार में तेजस्वी यादव को सत्ता मिलने जा रही है और यह सबके नजरों में खलता और चुपता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर ललन कुमार सिंह को लेकर के है, जो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पर इस वक्त ललन कुमार सिंह एक नई कोशिश करते नजर आ रहे हैं, इस पर भी विस्तार से नजर रहेगी हमारी। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यह है कि इस वक्त कांग्रेस ने साफ तौर पर बिहार से लेकर के झारखंड और अलग अलग प्रदेशों में भी उन्होंने नया बयान दिया है। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे किस तरीके से विपक्षी एकता का बड़ा मांग सामने आया है और ईवीएम मशीनों को बैन करने की मांग की तेजी दिखाई दे रही है। ईवीएम मशीनों की बैन करने वाली मांग ने चौंकाया है। इसके साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारों को मजबूती से रखने और अपनी सरकार को आगे बढ़ाने और देश में विकसित तौर तरीकों से भाजपा की सरकार चलाने का बात भी उन्होंने कहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यह है कि इस वक्त राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार की कई बड़ी योजनाएं इस वक्त महत्वपूर्ण तौर पर सामने आ रही है, लेकिन इस पर आपको कई नई खबरें भी देंगे विस्तार से। मुख्य तौर पर आज की बड़ी खबर में समझाने का बड़ा प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जीतन्ना माझी पलटी मार करके बिहार में सरकार को परिवर्तन के रास्तों पर ले जा सकते हैं, यानी अचानक से रातोंरात सरकार पलट सकती है। लेकिन बिहार में मछली पालकों के लिए सरकार ने एक और नया योजना का शुरुआत किया है, जिससे कहीं ना कहीं उन लोगों को फायदा होगा। दूसरी तरफ मायावती ने साफ तौर पर कहा है उत्तर प्रदेश को एक नए सिरे से एक नई पहचान की जरूरत है और इसके लिए लोकसभा का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों किसानों, मजदूरों और असहाय वर्गों के लिए बीजेपी ने सहायता के तौर पर सरकार के द्वारा आवंटित कई राशियों को वितरण करने और इसके साथ लोगों की मदद करने की बात कही। तेज प्रताप यादव ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की जनता ने मोदी सरकार से बदला लेने का क्या नया प्लान सेट किया है, किस तरीके से बदला लिया जाने वाला है। पर नीतीश कुमार को पलटी मारे हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुआ और नीतीश कुमार पर एक और बड़ा पहाड़ टूट गया है। नीतीश कुमार पर अपनी सरकार को बचाने का बड़ा पहाड़ टूट गया है, इस पर भी होगी हमारी विस्तार से नजर। लेकिन समझ लीजिए किस तरीके से चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति रामविलास पासवान जो पार्टी है इस पार्टी के अस्तित्व को ना मिटने देने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है। किसानों, मजदूरों और असहाय वर्गों के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक आतंकवाद क्रिएट कर रही है। दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने 2024 का लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को इंडिया अलायंस के बाहों में मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग के सामने ये सबसे बड़ा पहाड़ है विपक्षी एकता को मनाना, सूत्रधारों को ईवीएम मशीनों पर डाइल्यूट करना, ये बहुत बड़ा एक मुसीबत है। खाने पीने की चीज़ें, सब्जी के मंडी में दांत खट्टा करने योग्य हुआ हरा साग सब्जियों का कीमत, जिससे आज आम जन को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही साथ बात करेंगे किस तरीके से तेज प्रताप यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के एक नया अपडेट जारी किया और उन्होंने नया बयान भी दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त मुकेश सहनी को लेकर के है। बिहार में मुकेश सहनी ने लोगों को जोड़ने के लिए बेहद बड़ा प्रयास किया और सहनी भी तेजस्वी यादव के समर्थन में जा सकते हैं विधायकों के साथ, ये भी खबर है। खबर चिराग पासवान को लेकर के भी है कि क्या चिराग पासवान भी बिहार में कोई नया धरातल और नए सिलसिलेवार तरीके से एक नई शक्ति का प्रदर्शन करते क्या।
आज की ये खबर आपको चौंका सकती है, सोचने पर मजबूर कर सकती है कि बिहार में आखिरकार इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन जो नीतीश कुमार ने दिखाया। नीतीश कुमार सबसे पहले भाजपा में आते हैं, लालू प्रसाद यादव को हरा कर बिहार का सुशासन बाबू का दर्जा हासिल करते हैं, लेकिन तुरंत उसके कुछ समय बाद यानी 2019 का वो वक्त होता है जब नीतीश बाबू पलटी मारते हैं, और वो पलटी मारते मारते RJD फिर JDU और न जाने ऐसी तमाम सिलसिलाएं जारी रहती है। अब जीतन राम मांझी ने कह दिया पलटी हम भी मारेंगे, और इस वक्त तेजस्वी यादव को लेकर क्या रही है, बिहार में तेजस्वी के जलवे को मजबूती मिली है, RJD के समर्थकों को मजबूती मिली है। सबसे बड़ी मजबूती के तौर पर RJD के समर्थकों ने यह बताया है कि देश में आज RJD का अस्तित्व क्या है। दूसरी तरफ RJD नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने 17 महीनों के कार्यकाल में हुए सभी कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बिहार की सरकार ने 17 महीने में जो कार्य किया है वह भारतीय जनता पार्टी के लोग तो 17 वर्ष में नहीं कर पाए। हमने नियुक्ति दिया है, हमने रोजगार दिया है, और ये रोजगार कम नहीं है, ये रोजगार सचमुच महत्वपूर्ण खबर यह है कि ललन कुमार सिंह जैसे बड़े नेता भी इस वक्त खुद की बाहों को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। ललन कुमार सिंह ने कहा कि हमें जो जिम्मेदारियां पहले से मिली है उस जिम्मेदारियों को आज भी मैं निर्वाहन करता हूं, मैं उस जिम्मेदारियों से कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा हूं। मुझे पता है कि मैं जिम्मेदारियों से भला कैसे वंचित रह सकता हूं, पर मैं जिम्मेदारियों को आगे बढ़ते हुए देख देश को एक ईमानदारी के रास्तों पर आगे बढ़ाऊंगा। उम्मीद है कि मुझे जो जिस पार्टी और जिस जगह से जो भी हिस्सेदारी जिस हिस्से से जिम्मेदारी मिली उसे आगे करूंगा। उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता भी JDU के कमान को संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, जिसके बाद में नीतीश कुमार को झटका जरूर लगा है। नीतीश कुमार भली भांति यह बात जानते हैं कि उनसे उनके अपने ही करीबी नेताओं ने किनारा किया है, जिससे उनको नुकसान का सामना कई मरतबा करना पड़ सकता है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर नीतीश कुमार को लेकर के है, बिहार के चर्चित चेहरा है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी का अटूट प्रेम भी है, लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि मंत्रालय की सीटों की मांग हमारे लिए लगता नहीं है कि हमने कोई बहुत ज़्यादा मांग की है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि इतना भी अगर हमें कोई नहीं दे पाता है, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं, और इतना भी अगर ये नहीं दे पाते हैं तो बात ही क्या कहना, फिर जो मन करे वो कीजिए, जो मन करे वो आप देखिए। हमें उम्मीद है कि आप हमारी जिम्मेदारियों को लेकर के आगे जो भी होगा वो बात करेंगे, लेकिन जिम्मेदार होना और जिम्मेदारियों को संभालना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर तो यह है कि लगातार इस वक्त गिरिराज सिंह भी बोलते नजर आ रहे हैं, क्या बिहार में सरकार का परिवर्तन होगा, इस बात को लेकर के सवाल उठ रहा है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि बिहार में सरकार का ना सिर्फ परिवर्तन होगा बल्कि सरकारों के हुजूम से जो BJP के दिग्गज और बड़े नेता हैं वह बिहार में अपनी सत्ता को और मजबूत करने और बिहार में फ्लो टेस्ट में पास कराने के लिए एक अहम कड़ी का दौर निभाएंगे, एक अहम कड़ी को लेकर के वो आगे बढ़ करके जाएंगे। धीरे धीरे इस पर बातें। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि आज एक बार फिर एक नया प्रयास, एक नई खबर सामने निकल कर के आई है, और बड़ी खबर यह है कि आज राहुल गांधी ने लोकसभा के चुनाव में मजबूत प्रयास किया है। राहुल गांधी ने देश के अंदर साफ तौर पर कहा कि हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से अपने आप को काफ़ी करीब से देखा है, और मुझे पता है कि मेरे करीब होने से, मेरे पास होने से, मेरे समर्थन के साथ होने से क्या असर पड़ता है। धीरे धीरे कई और भी रास्ते हैं, हम आगे इस पर। और महत्वपूर्ण खबर यह है कि आज एक बार फिर जहां कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता लगातार जो है ताकतवर हो रहे हैं, और उनके सामने कई बड़ी कहानियां भी मजबूत की जा रही है। ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार ने लोकसभा के चुनाव को लेकर के बड़ी अपडेट दी है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी को हरा पाना किसी के लिए सपना होगा, नरेंद्र मोदी को हरा पाना मुश्किल टास्क है, और उन्होंने साफ तौर पर इस बारे में अपनी राजनीतिक कहानियों को भी आसान धीरे धीरे बना दिया है।
सबसे बड़ी खबर तो यह है कि लगातार एक एक प्रयासों के बावजूद भी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर और नई नई जानकारियां सामने निकल कर के आई है। सबसे बड़ी खबर है कि इस वक्त कहीं ना कहीं जो है वो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने बिहार से लेकर के देश के तमाम हिस्सों में ईडी और सीबीआई की चल रही छापेमारी पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि देश में क्या संविधान की कोई बातें नहीं होनी चाहिए, क्या लोकतंत्र की कोई बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश में आज लोकतंत्र को धरातल पर से खत्म करने की प्रयास की जा रही है और ये प्रयास कहीं ना कहीं बताने के लिए काफ़ी है कि ये लोग तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, ये लोग कभी भी जोड़ने की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जब तक तोड़ करके ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हम सभी एक दूसरे से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इसके बारे में और भी बताइएगा कॉमेंट में। जय हिंद, वंदे मातरम।